हाय दोस्तों, ये हमने नींबू और अदरक का अचार बनाया है जो कि बहुत ही टेस्टी है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। तो देखिए, अदरक का इतना ही छिलना है, जहाँ पे डस्ट हो बस उतना ही, और अगर आपको नहीं पसंद है तो पूरा छिल लीजिए, कोई बात नहीं, बट अगर आप छिलका रखते हैं तो वो फ़ायदा भी करता है। देखिए, जहाँ डस्ट है केवल उतनी जगह पर छिलका निकाला जा रहा है, और इसकी स्लाइसेस काट ली है, बहुत पतली नहीं ना ही बहुत मोटी, मीडियम साइज़ में, और नींबूओं को पोंछ के रख लिया है धुलने के बाद, और फिर उसके बाद हम इसका काट के उसका जूस निकाल लेंगे। तो 6-7 मीडियम साइज़ के नींबू का रस मैंने निकाल लिया है। अगर पके हुए मीडियम साइज़ के नींबू हैं तो 4 से 5 नींबूओं में ही इसका 150 ग्राम अदरक का अचार बन जाएगा, क्योंकि बिल्कुल डिप होना है नींबू के रस में, बिल्कुल अंदर डूबा रहे तभी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और अगर ज़्यादा पका हुआ नींबू नहीं है तो 7 से 8 नींबू का रस लगेगा। तो क्या क्या मैंने 1/4 तड़का लिया है, जिसमें मंगरेला है, 1/4 टीस्पून मंगरेला, 1/4 टीस्पून मेथी, 1/4 टीस्पून सरसों का दाना, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें सौंफ ली हुई है, फेनल सीड, और 2 पिंच हमने इसमें हींग डाला है। तड़के के सारे इंग्रेडिएंट हमने लिख दिए हैं, और सिर्फ 30 सेकंड ही तड़का डालने के बाद हमने 30 सेकंड इसको पकाया तड़के को, और सिर्फ 1 मिनट तक अदरक को मैंने कढ़ाई में चम्मच से चलाते हुए पकाया है। फिर इसको ठंडा कर दिया, और ठंडा करने के बाद मैंने इसको फ़ैन में सुखा दिया, और फिर हमने देखिए गिलास में हमने नींबू का जूस निकाल लिया था, तो केवल बीजा हमने निकाल दिया नींबू के रस से। हमने इतना ही बनाया, चूँकि 150 ग्राम अदरक है तो थोड़ा ही नींबू का रस हमने लिया, और पहले इसको खूब अच्छे से डिप कर दिया नींबू के रस में अदरक को, और इसमें थोड़ा नमक मैंने ज़्यादा डाला है, क्योंकि अचार में अक्सर नमक ज़्यादा पड़ता है, थोड़ा अचार गलने के लिए भी, और अचार को थोड़ा चटक भी होना चाहिए, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, किसी भी चीज़ से ज़्यादा पड़ता है किसी भी अचार में, तो सभी जानते हैं। तो थोड़ा सा हमने नमक ज़्यादा डाला है, और नींबू भी थोड़ा इतना ज़्यादा रहे कि ये बिल्कुल डिप हो जाए अदरक का। अच्छा, जूसीला पका हुआ नींबू है तो 4 से 5 नींबू लगेगा 150 ग्राम अदरक के लिए, और अगर हरा और टाइट नींबू है तो 7 से 8 नींबू लगेगा, क्योंकि नींबू एसिड है तो इसको क्रॉकरी के बर्तन में या फिर मिट्टी या फिर शीशे के बर्तन में रखना उचित है, क्योंकि अगर मेटल के बर्तन में रखेंगे तो उससे ये केमिकल रिएक्शन हो सकता है, तो ये तभी अच्छा रहेगा जब इसे शीशे के बर्तन में रखा जाए। तो अचार को अक्सर क्रॉकरी के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में या फिर शीशे के बर्तन में ही रखना अच्छा होता है। इसको 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक बाहर रख सकते हैं, और इससे अगर ज़्यादा आपके पास बचता है तो फिर फ्रीज में रखिए। अगर आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।